नमस्कार, मैं हूं चारू अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। खराब लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से भारत में हार्ट फेलियर का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। परेशानी की बात यह है कि कुछ साल पहले तक ये खतरा बुजुर्ग लोगों में ज्यादा रहता था, लेकिन आजकल युवाओं में ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों में इस गंभीर समस्या के बारे में जागरूकता की कमी है। हार्ट फेल का मतलब क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या वजह है ये परेशानी युवाओं में बढ़ रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इससे कैसे बचा जा सकता है, अपने दिल का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार, MD DM कार्डियोलॉजी, FESC, FACC, डायरेक्टर कार्डियक साइंसेज, HDNA आरोग्यम पटना, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, PMCH पटना, डॉक्टर नीरव कुमार, MD मेडिसिन, DNB कार्डियोलॉजी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, IGIMS पटना, डॉक्टर नीरज कुमार, MBBS गोल्ड मेडलिस्ट, MD मेडिसिन, DM इन कार्डियोलॉजी, MBA इन हेल्थ केयर सर्विसेज, चेयरमैन कार्डियक साइंसेज एंड मेडिकल एडवाइजर, मैक्स 7 हॉस्पिटल, पूर्णिया, बिहार। आप सभी का हमारे इस खास शो में स्वागत है। डॉक्टर अशोक, शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, हार्ट फेलियर क्या होता है? देखिए, हार्ट फेलियर एक ऐसा टर्म है जो सामान्य लोग सुनते ही घबरा जाते हैं कि हार्ट हमारा फेल कर गया, जबकि ये सच्चाई नहीं है। जब हमारा हृदय जो एक पंप की तरह काम करता है, ये शरीर की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है, तो इसको हम लोग हार्ट फेल्योर कहते हैं। तो इसके बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स हैं, माइनर फेल्योर, एडवांस फेल्योर। तो इसमें क्या है कि दो तरह की चीज़ें आप समझें इसमें, कि पंप का क्या काम है कि प्रॉपर ब्लड पहुंचाना ताकि ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन बॉडी के हर पार्ट में पहुँच पाए। लेकिन दो कारण हो सकते हैं, आइदर इनकी कंट्रैक्टिलिटी, इनकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाए, या इसमें ब्लड ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाए, जिसको डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। तो जितना शरीर में हमें ब्लड सप्लाई करने की जरूरत होती है, शरीर को जितना नीड होता है वो नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम लोग हार्ट फेल्योर कहते हैं। लेकिन सामान्यतः लोग समझते हैं हार्ट फेल्योर का मतलब अब हमारा हार्ट बिल्कुल ही काम नहीं करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एडवांस हार्ट फेल्योर में बहुत खराब स्थिति हो जाती है, लेकिन जो अर्ली स्टेज है उसमें जितनी जरूरत है, तो उसमें आप कई बार देखेंगे कि पेशेंट्स को रेस्ट पे कोई सिम्टम नहीं होता है, जब एग्जर्ट करता है यानी उसे शरीर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तब उसे परेशानी होती है। तो आप इसे यही समझें कि हार्ट को जितना काम करना था उतना अगर नहीं कर पाता है तो उसे हम लोग हार्ट फेलियर कहते हैं। डॉक्टर नीरव, हार्ट फेलियर के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? हार्ट फेलियर यूजुअली प्रेजेंट करता है सांस फूलने से, जैसा डॉक्टर अशोक ने कहा, अगर हम लोग चलते हैं और उसमें सांस फूलता है तो ये हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है। दूसरे लक्षण है कि सोते समय में अगर एकाएक दम घुटने लगे, उठ के बैठना पड़े, या जैसे ही लेटे वैसे सांस फूलने लगे, या पैर में सूजन आ जाए, या खांसी बहुत ज़्यादा होने लगे, तो या इवन कभी कभी सांस फूलना इतना बढ़ सकता है कि बोलने में भी दिक्कत होने लगे और उसमें भी सांस फूलने लगे, तो ये हार्ट फेल्योर के लक्षण हो सकते हैं। और हार्ट फेल्योर इसके अलावा लक्षण होते हैं कि कभी कभी धड़कन भी बढ़ जाए, चलने में लोग धड़कन फील करने लगे, या फिर एकाएक बैठे बैठे धड़कन तेज़ हो जाए, या फिर कभी कभी बेहोशी से भी हार्ट फेल्योर प्रेजेंट कर सकता है। डॉक्टर नीरज, मैं आपसे पूछूंगी कि हार्ट फेलियर के कॉमन कॉजेस क्या क्या होते हैं? हार्ट फेलियर का ये अर्थ नहीं होता कि हार्ट बिल्कुल ही फेल हो गया और काम नहीं कर रहा। इसका अर्थ ये होता है कि हृदय अब अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा, तो शरीर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वाइटल फंक्शंस हैं, उनको वो पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। और ऐसा होने के मुख्य कारण कि हृदय कमजोर हो जाए और वो शरीर की जो भी गतिविधियां हैं जो हमें अपनी दिनचर्या के दौरान करनी पड़ती हैं या अपने व्यायाम के दौरान करनी पड़ती हैं, वो करने में उसकी सक्षमता में बाध्यता है, तो उसको हम हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। उसका मुख्य कारण होता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होना, जो हम सभी जानते हैं, और शायद हम उसका बहुत ख्याल भी नहीं रखते, बहुत रेगुलरली दवाएं नहीं लेते हैं, बहुतों को पता भी नहीं होता कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है, मगर
हाई बीपी या उच्च रक्तचाप ये जब काफी समय तक रहता है तो इसका हार्ट पर हार्ट को ज्यादा ताकत से कार्य करना पड़ता है उस उच्च रक्तचाप के अगेंस्ट नॉर्मल फंक्शनिंग या नॉर्मल ब्लड इजेक्शन देने के लिए। तो हार्ट धीरे धीरे थोड़ा हार्ट की जो मस्कुलेचर है, हार्ट की जो वेंट्रिकल्स की वॉल है वो मोटी हो जाती है और मोटी होने के साथ साथ वो कड़ी होती जाती है, जिसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन एबनॉर्मलिटी। यानी हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो तो ठीक है, मगर हार्ट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है जिसकी वजह से उसमें ब्लड भरना चाहिए वो नहीं भरता, तो उसको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। और अगर वो स्ट्रेस और स्ट्रेन हार्ट पर कंटिन्यूअसली चलता रहता है बढ़े हुए बीपी का या उसके साथ साथ शुगर और कई और चीज़ों का, तो धीरे धीरे हार्ट के मसल्स में कमजोरी भी आ जाती है और फिर उसकी पंपिंग फंक्शन भी इम्पैक्टेड होती है, जिसको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा जो बहुत ही कॉमन कारण होता है वो है हृदय की रक्त धमनियों में रुकावट, या जिसको कॉमन बोलचाल की भाषा में हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट की धमनियों में, हृदय की धमनियों में सिकुड़न या ब्लॉकेज, या कहें कि उसका बंद हो जाना, अगर वो बंद हो जाता है और अचानक से होता है तो उसी को हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। और जब वो सिकुड़न होती है तो उसको, उससे सीने में दर्द होता है या सांस फूलती है, उसको मेंजाइना के नाम से जानते हैं। मगर धीरे धीरे ये भी हार्ट में, पहले रिलैक्सेशन एबनॉर्मलिटी और बाद में अगर हार्ट में वीकनेस आ जाती है तो उससे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर या पंप फेलियर होने लगता है। डॉक्टर अशोक, हार्ट फेलियर से हार्ट अटैक कैसे अलग है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक तरफ हम लोग हार्ट फेलियर की बात करते हैं और दूसरे तरफ हार्ट अटैक की। तो जैसा कि मैंने पहले कहा और डॉक्टर नीरव ने भी बताया आपको, अब हम आते हैं हार्ट फेलियर, तो हम समझ चुके हैं, हार्ट अटैक पे आते हैं। तो हार्ट अटैक वो है जबकि हार्ट एक पंप है, इसको भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए। हमारा हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है जिससे कि उसको न्यूट्रिशन ऑक्सीजन मिलता है, तो इसे भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है क्योंकि यही एक ऑर्गन है कि कभी रेस्ट नहीं करता। इसको सप्लाई करने वाली जो धमनी होती है उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है तो इसकी ब्लड सप्लाई खत्म होती है, उस समय सडन चेस्ट पेन होता है। तो ये एक सडन होने वाली प्रक्रिया है जब ब्लड के हार्ट को, जो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है उसमें अवरुद्ध होता है, ब्लॉकेज होती है, तो उसको हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। ये बड़ा अचानक ही हो जाता है और ये सडन ऑनसेट है, चेस्ट पेन होता है जो कि पूरे छाती में फैलता है, ऊपर गले में, बाजू में दर्द आता है, साथ में पसीने आना, घबराहट होना, पेशेंट को लगता है कि सीने पे वजन बढ़ते चला जा रहा है, उसे लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा, जो टिपिकल एक्सप्लेनेशन है इम्पेंडिंग डूम, उसे एहसास होता है कि नहीं, आई एम सिंकिंग, हम जा रहे हैं। ये हार्ट अटैक है। और ये भी हार्ट अटैक होने से जो ये पंपिंग भी कम हो जाती है, मेजर हार्ट अटैक हुआ तो हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, तो बाद में अगर पेशेंट सर्वाइव भी कर जाता है तो ये आपको हार्ट फेलियर की तरफ चला जाएगा। जैसा कि पहले हमने बताया कि हार्ट फेलियर पंपिंग का प्रॉब्लम है जो ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, उसमें से प्रमुख कारण हार्ट अटैक भी है। डॉक्टर नीरव, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आजकल हम देख रहे हैं यंग जनरेशन हार्ट फेलियर का काफी ज्यादा शिकार हो रहा है, यूथ में हार्ट फेलियर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स हार्ट फेलियर लेके आते हैं, सांस फूलना लेके आते हैं, तो इसका बहुत बड़ा वजह है कि हम लोग का लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, जो खान पान है उसमें गड़बड़ी है, हम लोग ज्यादा खाते हैं, ओबेस हो जाते हैं। ओबेसिटी वन ऑफ द रीजन हो सकता है हार्ट फेलियर का। हम लोग जो खाते हैं, जैसे ट्रांस फैट ज्यादा खा रहे हैं, नॉनवेज फूड ज़्यादा खा रहे हैं, और जो पिज्ज़ा बर्गर जो है वो सब का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल भारतीय खाना है उसके तरफ से हम लोग स्केप कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं जो ज़्यादा डीप फ्राइड हैं, तो इससे ओबेसिटी भी बढ़ती है, हार्ट फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें नमक ज़्यादा रहता है, पर्टिकुलरली जो फास्ट फूड वगैरह है या चिप्स हो या जो भी फूड है जिसमें नमक ज़्यादा है, तो उसके वजह से भी हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में हाइपरटेंशन हो जाता है और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस तरह यंग जनरेशन स्मोकिंग वगैरह भी कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट कारण है क्योंकि स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और स्मोकिंग डायरेक्टली हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का कारण हो सकता है।
तो स्मोकिंग एक वन ऑफ द रीजन है जिसके वजह से। इसके अलावा आपने देखा होगा ज़्यादातर एक्सरसाइज लोग नहीं करते, कंप्यूटर के पास बैठ के वीडियो गेम खेलते हैं, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। हमारे यहाँ फील्ड की भी कमी है जहाँ पे लोग खेल सकें, या हमारे आप रोड पे देखेंगे साइकिलिंग वगैरह के ट्रैक नहीं है, या घूमने या दौड़ने का ट्रैक नहीं जैसा कि यूरोपियन कंट्री में है। तो हम लोग एक्सरसाइज लैक करते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट कारण है जिसके वजह से हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो हमारा जो फूड है, जो फूड हैबिट है, उसको सुधारने की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अल्कोहल भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है, अल्कोहल के वजह से भी हार्ट फेलियर होता है। ज़्यादा अल्कोहल लंबे समय तक अगर लिया जाए तो चांसेस बढ़ जाता है। तो यंग जनरेशन में अल्कोहल लेने की प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा ही होती है, और अल्कोहल डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में हार्ट के हिसाब से सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सांस फूलना पता भी नहीं चलता अगर लोग एक्सरसाइज ना करें, वॉक ना करें। अगर ज़्यादातर बैठे रहें, खाएं और बैठे रहें तो निकलते रहेगा, और हार्ट फेलियर के शिकार भी है तो पता नहीं चल रहा है, अनलेस अंटिल की बहुत सीवियर वेराइटी का ना हो जाए। तो यंग जनरेशन में ये बहुत बड़ा कारण है अपना लाइफ स्टाइल और जो हमारी हैबिट है उसके वजह से हार्ट फेलियर बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर नीरज, किसी मरीज में हार्ट फेलियर को डायग्नोस करने का प्रोसेस क्या है? मरीजों की कंप्लेंट्स कई बार होती हैं कि उनके धड़कन तेज महसूस होती है, यानी टैकीकार्डिया रहता है, हृदय गति तेज चलती है, ऐसा वो महसूस करते हैं। उनको कमजोरी महसूस होती है, या उनको बहुत जल्दी काम करने में थकान महसूस होने लगती है। कुछ का कहना होता है कि मेरा वजन बढ़ रहा है, या मेरे पैरों में सूजन आ रही है, या मेरे पीठ पीछे सूजन आ रही है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ये हमें इशारा करते हैं हार्ट फेलियर की तरफ। इसके अलावा जब हम उनको एग्जामिन करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके पल्स की गति तेज है, कभी कभी इररेगुलर मिलती है। उनका ब्लड प्रेशर भी अधिक या कम, दोनों ही हो सकता है। इनिशियल फेज में बीपी अधिक मिल सकता है, खासकर अगर बीपी की वजह से हार्ट फेलियर हो रहा हो, और एक समय के बाद जब हार्ट बहुत कमजोर हो जाता है तो बीपी कम भी हो सकता है। कई बार हम जब उनके फेफड़ों की जांच करते हैं अपने स्टेथोस्कोप से, तो उसमें हमें खड़खड़ 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 की आवाज़ सुनाई देती है, इसको क्रैकल्स कहते हैं या क्रेपिटेशंस कहते हैं। वो बड़े ही कॉमन फाइंडिंग्स हैं हार्ट फेलियर की सिचुएशन में, जो हार्ट जो फेफड़ों के कंजेशन की वजह से मिलते हैं। पैरों में सूजन का मिलना कई बार ऐसे दिखता नहीं, बट अगर हम फिंगर रख के उसको प्रेस करते हैं तो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। तो ये जो गड्ढा है इसको इडिमा कहते हैं, पैरों में सूजन। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो साइंस मिलते हैं, ये लगभग हमें साइंस और सिम्टम्स मिलाकर कन्फर्म कर देते हैं कि इनको हार्ट फेलियर तो है। अब हार्ट फेलियर की डायग्नोसिस की वो क्यों है, किस स्टेज में है, क्योंकि इसकी स्टेजिंग होती है ए बी सी डी, तो वो किस स्टेज में है और उसके लिए आगे क्या ट्रीटमेंट या आगे उसको कन्फर्म करने के लिए क्या जांच की ज़रूरत है, तो इस दौरान पहला जो जांच होता है उसको कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें हम हृदय की रिदम और हृदय के जो उसको ईसीजी की फाइंडिंग्स होती हैं, जो हमें कई सारी इन्फॉर्मेशंस दे पाती हैं हृदय के बारे में। इसके अलावा जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जांच है उसको कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी इज अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट। चूँकि हार्ट हर वक्त चलता रहता है, एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए हमें एक अलग तरह के अल्ट्रासाउंड मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम हार्ट के पूरे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, हार्ट की पंपिंग एक्शन को देख सकते हैं, हार्ट के वाल्व्स को देख सकते हैं, और उसकी एक तरीके से कहा जाए तो इलेक्ट्रिकल सर्किट सप्लाई और ब्लड सप्लाई के अलावा लगभग सारी इन्फॉर्मेशन हमें इकोकार्डियोग्राफी से मिल जाती है। डॉक्टर अशोक, आप बताइए, क्या हार्ट फेलियर को मैनेज या इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है? जी बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज हमारा साइंस इतना एडवांस हो गया है कि काफ़ी हद तक हम लोग हार्ट फेलियर के केसेस को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें एक दूसरा बात मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप ये समझते हैं कि हार्ट फेलियर ठीक हो जाएगा तो ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। इसको मैनेज करके, कंट्रोल करके रखा जा सकता है। आपकी दिनचर्या, जो लाइफस्टाइल है, उसको आप एज गुड एज नॉर्मल कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम रोल है, ऑफ कोर्स मेडिकल साइंस का, डॉक्टर्स का, हमारा रोल है इसमें, लेकिन पेशेंट का हमसे भी ज़्यादा रोल होता है। क्योंकि क्यों होता है, किसी भी बीमारी की अगर हम लोग बात करें तो उसको रोकना ज़्यादा अच्छा चीज़ है कि उसका इलाज करना।
रोकने में जैसे इसको हम लोग स्टेजिंग किए हुए हैं, स्टेज ए बी सी डी, चार स्टेज होता है। डॉक्टर के पास जो आते हैं पेशेंट वो स्टेज सी से आना शुरू करते हैं जब उन्हें सिम्टम होता है। तो अगर हम स्टेज ए और बी में जागरूकता फैला के लोगों को रोकें तो स्टेज सी में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टेज डी जो है वो एडवांस हार्ट फेल्योर है। तो जो हमारे पास मरीज अक्सरहा आते हैं वो कुछ तो आते हैं जो बड़े फैक्टर के साथ आते हैं, तो हम लोग करते हैं लेकिन उतनी हिदायत को फॉलो नहीं करते। हमारे पास आज के डेट में 4 पिलर ऑफ हार्ट फेल्योर थेरेपी है। दवाइयाँ, 4 दवाइयाँ इतनी अच्छी आ गई हैं कि हम लोग काफी हद तक उसको कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल करने में उसके अलावा जो बेसलाइन कुछ ड्रग्स हैं, मतलब 5-6 दवाइयों से उसको एडजस्ट करके पेशेंट का कंप्लायंस अच्छा रहे, बहुत हद तक हम लोग इसको कंट्रोल कर पाते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो हमें कारण देखना पड़ता है कि हार्ट फेल्यूर हुआ किस कारण से। इनके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हार्ट एक पंप है, मस्कुलर पंप, तो उसके पंप में खराबी हो जाए जिसे कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। जैसा कि आपने हार्ट अटैक का जिक्र किया, हार्ट अटैक ये भी एक कारण है जो कि मसल को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद और कारण है जिसमें इसमें वाल्व्स होते हैं, वाल्व का लीकेज हो या वाल्व की प्रॉब्लम हो वो भी हार्ट फेल्यूर का कारण करता है। तो उन चीजों को अगर हम दूर करें, जैसे वाल्व जिनके खराब हो गए हैं वाल्व का रिप्लेसमेंट कर दें, तो वो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा कुछ जो एडवांस हार्ट फेल्योर है रिफ्रैक्ट्री में चले जाते हैं, कुछ एरिथमियाज कॉज हैं, कुछ सिस्टेमिक डिजीज कॉज हैं, उन सबों को मैनेज करके, और एडवांस हार्ट फेल्योर थेरेपी में आजकल डिवाइसेस आ गए हैं काफी अच्छी, जैसे कि AICD है, CRTD, हम लोग लगा के पेशेंट्स को एज गुड एज नॉर्मल लाइफ दे पाते हैं। डॉक्टर नीरव, हार्ट फेलियर को मैनेज करने के लिए पेशेंट को लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए? ये खाने में हमें नमक का सेवन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ज्यादा नमक खाने से हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूजुअली 5-7 ग्राम ही नमक एक दिन में खाना चाहिए। हमारी भारतीय खाने में आप देखेंगे बहुत सारे खाने में बहुत नमक रहता है, जैसे तिलौरी, पकौड़ी, अचार, पापड़, इस सब में ज्यादा नमक रहता है। लोग दालमोठ वगैरह में नमक ज्यादा रहता है, लोग खाते रहते हैं उन्हें पता नहीं चलता कि वो ज्यादा सॉल्ट ले रहे हैं। उसी तरह बहुत सारे डब्बाबंद फूड में भी नमक ज़्यादा रहता है, हालांकि नमक का अमाउंट बाहर लिखा रहता है लेकिन लोग उतना ध्यान नहीं देते। बहुत सारे फास्ट फूड हैं, ये चिप्स वगैरह हैं, इसमें नमक ज़्यादा रहता है। तो नमक का सेवन कम करना है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी है, स्मोकिंग से हार्ट फेल्योर का और वर्सनिंग हो जाता है। अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना, अल्कोहल लेने से हार्ट फेल्योर वर्सनिंग हो जाता है और लंबे समय तक अल्कोहल लेने से और लीवर वगैरह में डैमेज शुरू हो जाता है, तो बिल्कुल अल्कोहल ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, हमें वॉक करना चाहिए, कम से कम 30-40 मिनट डेली वॉक करना चाहिए। जो हार्ट फेलियर के पेशेंट है, जैसे ही हार्ट फेलियर इम्प्रूव करता है उनको वॉक शुरू कर देनी चाहिए। वॉक से एक तो अच्छा वेलबींग आता है, वेट कम रहता है। उसके अलावा अगर हार्ट फेलियर अर्ली अपीयर हो रहा है तो वॉकिंग से पता चलता है कि हार्ट फेलियर आ रहा है, तो हमें वॉकिंग रेगुलर करनी चाहिए। और स्ट्रेस लेवल को कम रखना चाहिए, हम योगा कर सकते हैं। योगा जो भारतीय पद्धति है उससे कैटाकोलामाइन या हार्मोन का लेवल बेहतर रहता है और हार्ट फेलियर के चांसेस भी कम रहते हैं। ऐसा योगा जो रिलैक्सेशन से रिलेटेड हो वो करनी चाहिए, उसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए कि स्वस्थ रहें, जो जरूरी है दवा के अलावा ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग टीवी, कंप्यूटर और इस स्क्रीन से चिपके रहते हैं। हमारे यहाँ जो वॉकिंग की जगह वो भी कम है, जॉगिंग, स्विमिंग वगैरह बिल्कुल नहीं के बराबर हमारी सोसाइटी में, ये बहुत ज़रूरी है, ये सब लोग करें। तो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है जो हमें करना चाहिए और ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना दवा का सेवन, तो हमें ये करके अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। डॉक्टर नीरज, हार्ट फेलियर डेली लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करता है? जैसा कि हार्ट फेलियर के डिफिनीशन से ही क्लियर है कि हार्ट फेलियर यानी हार्ट की कमजोरी और बाध्यता कि वो काम नहीं कर पा रहा, पूरे सपोर्ट नहीं कर पा रहा शरीर को और शरीर की एक्टिविटी को। तो सबसे सबसे जो कॉमन लक्षण है वो है सांस का फूलना। शुरुआत होती है व्यायाम के दौरान या कभी दौड़ने या सीढ़ियाँ चढ़ने के दौरान, फिर धीरे धीरे नॉर्मल एक्टिविटी में वो प्रॉब्लम आने लगती है और फिर धीरे धीरे उनको लेटने में परेशानी होने लगती है और सबसे एंड में बैठे बैठे भी सांस फूलती है। दूसरा जो बहुत ही कॉमन लक्षण है उसको कहते हैं थकान, थकान अनुभव होना कि मैं कुछ भी करता हूँ जल्दी थक जाता हूँ। तो वो थकान भी इशारा करती है कि वो हार्ट फेलियर से उनको परेशानी पड़ रही है। उनके टखनों में
या पैरों में सूजन का आना और वो सूजन बढ़ते जाना समय के साथ, ये भी परेशानी पड़ती है जिससे वो सारा काम अपना नहीं कर पाते। कुछ लोगों को सूखी खांसी आती है जो कि रात में सोने के बाद या लेटने के बाद अधिक होती है, भूख नहीं लगना और कई बार चक्कर का महसूस होना, धड़कन महसूस होना। तो ओवरऑल कहा जाए तो उनको जो काम करने की क्षमता है अपनी दिनचर्या में या कुछ उससे अधिक, उस काम को करने में वो धीरे धीरे अक्षम हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति बहुत समय तक अपना काम कर पाते हैं, कुछ व्यक्ति जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये बीमारी दिनचर्या को और उनकी उनकी जो कार्यप्रणाली है, उनकी जो इच्छाएं हैं उसको वो पूरा करने से ये परेशानी रोकती है और उसके इलाज की आवश्यकता होती है। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्ट डिजीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी है। डॉक्टर्स ने बताया कैसे संतुलित आहार और एक्सरसाइज से आप अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं। कोई भी लक्षण महसूस होने पर तुरंत आपके फैमिली डॉक्टर को दिखाएं और अपना ख्याल रखें। इस खास शो में बस इतना ही। धन्यवाद।